नो एंट्री है लेकिन खजाना यहीं से दिख रहा है मेरे को। देखो भाई लोग इतना ईटिंग है कि आप उसको महसूस कर सकते हो। वाटर पंपिंग है, ये पानी में डुबा दिया मैंने, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी फर्क। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द आर्ट टॉप मिलर। सो तुम्हारा भाई वापस आ चुका है मल्हार बैट्स के वर्कशॉप में, जहाँ पे आज हम वापस से कुछ बैट की नॉलेज लेंगे मॉरिश भाई के साथ में। आज वो अपने को बताएंगे कि क्रिकेट के हार्ड टेनिस बैट जो होते हैं ना, सॉफ्ट टेनिस बैट, कौन से अच्छे होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे उन्हें तैयार किया जाता है, वो शुरू में कैसे आते हैं, उन्हें कैसे कैसे तैयार करके एक वो रूप दिया जाता है, बैलेंसिंग किया जाता है, स्ट्रोक दी जाती है बैट्स में, उसमें हैंडल लगते हैं, पॉलिश होती है, हर एक चीज़ होती है। तो सब कुछ डीपली तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना होगा मैं कोशिश करूंगा मॉरिश भाई से जानने के लिए और आप सबको बताने के लिए कि बेस्ट हार्ड टेनिस बैट आपको मिल सके। और अगर आप मार्केट में हार्ड टेनिस बैट लेने निकले हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हो, वो बैट में वो खासियत है या नहीं। और चलते हैं मॉरिश भाई से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है अपने पास आज। लोकेशन तो बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर काम करने में बहुत मज़ा भी आता है मॉरिश भाई को। मॉरिश भाई हो गया नहीं? अरे भाई रेडी है, एकदम फुल शॉट ने रेडी है, एक्शन भाई। से आज क्या बताने वाले हो मोहित भाई अपने व्यूअर्स को? एक्चुअली मैं वो बताने वाला हूँ कि बैट सुखता कैसे, ओके आज कैसे सुखाते। अच्छा अब ये देखो, ये आपके सामने अभी न्यू बैट है, ओके मैं एक्चुअली तो इधर से निकाल देता हूँ। मतलब सुखता मतलब क्या होता है, सुखाना बैट क्या होता है? पब्लिक क्या है, मशीन से उसको गैस इसे जला देती है। अच्छा, उससे क्या होता है, लकड़े जलाने से लकड़ा क्या लाइफ खत्म हो गया, ओके लकड़े को सुखा है, लकड़े का नमी निकल। तो ये बैट रेडी है? अभी रेडी, अभी मेरे पास रेडी आया हुआ, अभी उसको शेप देना है, सब कुछ करना है, शेप देंगे, कटिंग करेंगे, कटिंग वाला करना है। वेट देखते हैं, देखते सुखाने से कितना कम हो जाता है? मशीन से 200 भी होता है, 150 भी होता है। अच्छा सुखाएंगे और कितना टाइम लगता है सुखने में? कम से कम 6-7 दिन तो जाता है, 6-7 दिन। ओके, तो बैट मेकिंग प्रोसेस ये है, बैट ऐसे बनते हैं, इतना टाइम लगता है आपको? तो मशीन दिखा देता हूँ। ओके ओके, आने वाले की मशीन में जहाँ पे बैट अपना सूखते हैं, अलग से एक रूम है का, ये बनाना पड़ता है रूम या स्पेशल सा रूम बनाया हुआ? ओके, नो एंट्री है भाई, अंदर तो नो एंट्री है। ओफो, अंदर नो एंट्री है लेकिन खजाना यहीं से दिख रहा है मेरे को। देखो भाई लोग इतना हीटिंग है कि आप उसको महसूस कर सकते हो, हीट है, बहुत हीट, फुल हीट है, क्या बात है। अभी इधर आप कोई भी बैट चॉइस करो, हाँ? और उसका वेट चेक करो, इधर वेट मशीन में रखा हुआ है। अच्छा, आपकी सबसे ये वही बैट है जो हमने वैसे चेक किए थे? हाँ, नहीं अभी उसको मैं रखा नहीं, नहीं उसको जो इतने 1400 वाले वजन के बैट सारे ऐसे थे जो यहाँ रखे थे आपने? हाँ, 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 ओके। अभी इसमें आपको जो पसंद है, अच्छा जो कोई भी आपको लगता है भाई, बहुत गर्म हो रहा है अंदर, ये एक निकालता हूँ मैं, कोई निकाला, ठीक है। हाँ ये देखिए, अभी इसका वेट हुआ है 1286, मतलब ये 14 के अबव ही रहेगा। हाँ। कम से कम 100-120 ग्राम कम हो चुका है, तो आप और कितना कम करोगे इसको? अभी इसमें मेरे और भी कम से कम 50 ग्राम निकलना चाहिए। अच्छा, तो इसको और रखोगे? देखो इसको ज्यादा डीप नहीं करना पड़ेगा, ओके, कम ओके, ओके। काम हो जाएगा। जो बैट का मॉइस्चर निकल गया तो भी बैट खेलने वाले को तो मजा आएगा, मजा आएगा, वो भी खुश। ओके, तो ऐसे बैट बनते हैं। और एक बैट निकालो क्योंकि उनको लगना नहीं चाहिए, किसी भी चीज से निकालो। चलो भाई साहब, मैं एक ये निकाल लेता हूं, बीच में से निकालो, उनको लगना नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अपन गलत चीज नहीं दिखा रहे किसी को भी। हाँ ये मेरे को लग रहा हाथ में लाइट, ये कुछ होस। हाँ ये भी 1300, ये मतलब 1500 प्लस है, 1500 प्लस था, मतलब ये जो 1300 आया तो 200 ग्राम कम हुआ है भाई। हाँ। ऐसे रखे हुए तो जो लोग वजन कम करते हैं ऐसे ही करते हैं या काटी पीटी कर देते हैं? ज्यादातर मैं आपको पहले ही बताया, कोई भी जला देते हैं। आपने देखा रहेगा ब्लैक कलर का बैट, ब्लैक बम्बा जो बाम्बू बैट बैग बोलते हैं सब लोग, मैं तो बोलता ना वो सब मतलब उससे बचो, उससे बचो, नहीं ना लकड़ा है, लकड़े को जला, लकड़ा तो जल जाएगा, खत्म हो गया उसका लाइफ, खत्म है। वो तो वैसे खेल लेते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं है ना? नहीं लॉन्ग टाइम नहीं है, अभी इसको तो मॉइस्चर निकल के खेलोगे तो उसका लाइफ तो अच्छा ही है। ओहो, कोई इशू नहीं है। ओके समझ गया। कोई कोई बहुत सारे कंपनी के आते, कोई भी बोलते हैं भाई मेरा वेट कम करना है, मेरा भी बैट रखवा दो। अच्छा ऐसा क्या, तो अपन रखते वैसा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको भी अपना बैट का मॉइस्चर निकालना है तो आप, ये पर्सनल रूम है भाई का, यहाँ नो एंट्री है लेकिन आपको एंट्री मिल जाएगी 200-300 रुपए जो भी रहेगा। चार्जेस कितना रहता है? चार्जेस 100 रुपीज चार्जेस है भाई आपका, 100 रुपए में बैट का वजन बिना कुछ खराब करे बैट अच्छा हो जाएगा, वैसे ही डिजाइन भी वैसा रहेगा और बैट का मॉइस्चर वेट भी कम हो जाएगा। क्या बात है सर, ये जल्दी कोई बताता नहीं है।
तो ये है हार्ड टेनिस क्रिकेट बैट जो बनते हैं। तो भाई ये हाँ इसको बंद करते हैं अपन। अब ये देखो ये आपके सामने एक बैट पड़ा हुआ है, इसका वेट है 1286। ओके अभी यही बैट मैं आपको क्या होएगा उसे दिखाएगा। सो अपना ये बैट जो है इसको ही आप अपना जो नॉर्मल हार्ड टेनिस बैट बनते हैं 1000 ग्राम के 950 ग्राम यही वो बैट होते हैं। ओके सो यही वो बैट है, तो इनका वेट ऐसे कम होता है। आप लोग सोचते हो ना कि डायरेक्ट बैट आया सिर्फ मशीन से एक काट के ख़त्म कर दिया, तो वैसे वेट नहीं कम होता है। प्रॉपर हर एक चीज़ का तरीका होता है, प्रोसीजर होता है। ओके अभी मैं इसको कटिंग करके दिखा देता हूँ। अरे अपने पास और एक गुड न्यूज़ है, दो से चार दिन बाद अपने पास प्रेस मशीन भी आने वाली है। ओके प्रेस मशीन, प्रेस मशीन आएगी तो मोस्टली अपने पास जो किसी को भी प्रेस करके चाहिए लकड़ा तो वो भी प्रेस करके मिलेगा। ओके तो उसका क्या चार्जेस रहेगा? वो तो अभी आने के बाद ही पता चलेगा, मशीन आने के बाद पता चलेगा जो भी उसका प्रोसीजर है क्या क्या है उसके अंदर उसमें पता चलेगा। तो ये कि अपने पास एक हफ्ते में हार्ड प्रेस मशीन भी आने वाली है, जिससे आप लोग का बैट अगर हार्ड प्रेस नहीं है तो आपको वो भी करके मिल जाएगा। तो ये देखो जैसे कि अब इसमें ना डिज़ाइन दिया जाएगा, स्कूप डिज़ाइन जिसको बोलते हैं ना नॉन स्कूप बैट्स, तो स्कूप बैट्स ऐसे बनते सकते हो। बैट क्या क्या लुक था, बैट का ऐसे लुक किया है। और एक भाई वो बैट उठाना। सो ये देख रहे हो आप लोग जो डिज़ाइन बैट पे आया ना, हाँ 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 ब्यूटीफुल। सो ये डिज़ाइन ऐसे भाई उसमें डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, ये है आर्टिस्ट, ये है आर्ट और ये है आर्टिस्ट। तो ऐसे चीज़ें तैयार होती हैं, ये कोई भी नहीं कर सकता है, बहुत सालों की मेहनत और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है इसमें, तजुर्बा जिसको बोलते हैं। ऐसे डिज़ाइन प्रॉपर आएगा फिर जाके बैट का वो लुक निकल के आता है। और आपने बैट देखा तो वहाँ पे कुछ 1200 समथिंग था, अभी देखिए 1090 हुआ है। तो हार्ड टेनिस बैट के लिए जो वेट होता है लोग 1050 प्रेफर करते हैं। 10 अभी इसमें से मैं विदाउट कैप्सूल मारने के बाद इसमें और भी 50 ग्राम निकाल सकता हूं। हां इसमें यहां से कैप्सूल जो डिजाइन लगेंगे तो उससे और बैट का वेट कम होता है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है अभी मेरे पास एक पार्ट एक कस्टमर का ऑर्डर है जो है कर्नाटक का। ओके उनका नाम है बासु, उनको भी एक्चुअली बहुत दिन से लोग बोल रहे थे मेरा यूट्यूब पे नाम लो मेरा नाम। अच्छा ऐसा क्या? ओके तो भाई ठीक है बढ़िया है, नाम ले लिया एक्चुअली उनको। और दूसरी बात उनका ऑर्डर जो स्टॉक रेडी पड़ा है मेरे को, हाँ दिखा देता हूँ, उनका स्टॉक शायद 2 दिन में निकलने वाला है। ओके ऊपर रेडी है क्या उनका? वो कहाँ से है? कर्नाटक से। कर्नाटक में अपना माल कर्नाटक भी जा रहा है। ओके तो अपना वो डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ पे। हाँ। तो आपको कर्नाटक में भी माल चाहिए तो वासु जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा अगर आपका वहाँ से हो तो। बाकी हमारा नंबर आप। तो ये देखिए अपना पूरा खजाना रेडी हो, ओ बाप रे बाप धमाल। जो हमारे बासु भाई उसने पूरा कोटिंग करके ही माल मंगाया हुआ है। ओके सिर्फ टो गार्ड वाला सब कुछ करके। ये देखिए टो गार्ड की खासियत। आपका माल रेडी हो गया, जैसे ही आएगा बिक जाएगा आप फट से दूसरे बैट का ऑर्डर दीजिए और इस बार कम से कम 100-200 का देंगे आप। नहीं उनका रेगुलर चलता रहता है, अच्छी बात है। छोटा आदमी है, छोटा काम करता है, मेहनत से करता है, मेहनत से करते हैं, बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त। तो आप देखिए ऐसे पूरे बैट तैयार होते हैं विद स्टिकर, ये कटिंग्स कैप्सूल बोलते हैं, उसको कैप्सूल बनाया जाता है और बैट को ऐसे इतना डीप कटिंग करते हैं जिससे बैट यहाँ से फट जाए। तो प्रॉपर बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ड टेनिस बैट में। ये टो गार्ड जैसे आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा हो पहले भी, तो ऐसे स्टिकर लग के ये हमारा प्रॉपर बैट रेडी होता है। इस बैट का प्राइस क्या आता है रिटेल में? अभी ये जाएगा 25
25 तक में ना, और कम से कम इसमें 25 से लेकर 220 तक जाता है, 220 तक। और बैट का बैलेंस आपको इतना मजा आएगा ना कि मैं अभी बोलने से नहीं पता चलेगा, कब खेलने से पता चलेगा। तो भाई लोग जल्दी से आप लोग फटफट मल्हार के बैट को, मल्हार का पेज भी इंस्टाग्राम पे, उसमें बहुत प्यार तो दिया लोगों ने, तो फटफट बैट नंबर पे कॉल घुमाओ और जो भी बैट चाहिए ना आपको, बेस्ट स्टार्ट करके टेनिस बैट आपको मिल जाएगा। और ये मल्हार में ये कटिंग में आप कभी भी एनी टाइम बोलोगे आपका तुरंत काम हो जाएगा। ओके, मतलब ये हमारा जो रेगुलर कटिंग है, ये हम लोग खाली बारिश में काम करते हैं। बारिश अच्छा, में जिसको, हाँ इसमें ये आपको दिखाया था, ये हम लोग मोस्टली बारिश में काम करते हैं। बारिश में जिसको जितना ऑर्डर देना है बारिश में दे दो। ओके, क्यों बारिश में स्पेशली काम होता है, ये बहुत स्लो काम है। अच्छा, ये जो डिजाइन बनता है ये प्रॉपर खाली टाइम में डिजाइन किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। और हमारे जो खाली डिजाइन के बैट्स है ना, ये अपने पास एनी टाइम रेडी रहते हैं, आपको जितना भी स्टॉक चाहिए मिल जाएगा। और ये हमारे मोस्ट फेमस बैट जिन्होंने मुझे भाई को वायरल किया है, 37 लाख लोगों ने देखा है वीडियो इंस्टाग्राम पे, मल्हार बैट आप देख सकते हो। तो ये डिजाइन का बैट है हमारा। हाँ, ये एक्चुअली विलो, दोनों भी कश्मीरी विलो ही है। ओके, दोनों कश्मीरी विलो किया हुआ है। ये वाटर कोटिंग बैट है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पहले भी कि पानी में डाल देते हैं। तो अगर आप बोलोगे सोच रहे हो व्हाइट दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है, तो एक बार मैं बोलता हूँ इस वीडियो में भी लोगों को दिखा देते, जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर है ना वो भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, ये देख लो आप लोग, वापस से भरोसा नहीं होगा। तो उस कलर का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो पानी में डाल के वो हार्ड टेनिस बैट रेडी होता है। नहीं नहीं, ऐसी काफी वहीं पे भी डाल दो ना घास पे, वहाँ व्यूज अच्छा आएगा। तो ये देखो, ये अपने बैट है, पहले भी दिखा चुका हूँ, वापस से दिखा रहा हूँ। ये है पॉलिश, जो लोगों को लगता होगा ना कि हम कुछ ऐसे ही देते रहे, ये जो रेड है ना, क्या ये पॉलिश है ना? ये पॉलिश है, ये एक्चुअली इसको वाटर प्रूफिंग पहले करते हैं, उसके बाद इसको पॉलिश करते हैं। ओके, इसको पहले वाटर प्रूफिंग करते हैं फिर पॉलिश करते हैं। कितने टाइम तक रह सकता है ये पानी में? एक्चुअली आप दुबा के निकाल दो। नहीं, ये पॉलिशिंग कितने टाइम तक रहती है सर? उसे खेलने को डिपेंड करता है, मोस्टली जल्दी निकलता नहीं है, बाकी आपको खेलने एक साल दो साल रहेगी आराम से, है ना? इसे आपको खेलने के ऊपर डिपेंड करता है, मैं अभी बोल रहा हूं खेलने के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको अच्छे से यूज करो, अच्छे से चलेगा, है ना? हां, ये देखो, ये देखो, ये भी वाटर प्रूफिंग है, ये पानी में डुबा दिया मैंने, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा ना उसको। मैं ये चीज तो आपको दिखा चुका हूं, पर इसको अभी ये आपको मैं एक सेकंड अभी ये डुबा के दिखा नहीं सकता हूं। हाँ, क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं है, ये पानी खींच जाएगा, इसका मॉइस्चर आ जाएगा इसके अंदर, पूरा मॉइस्चर आ जाएगा। तो आपने देखा कि लाइफ खराब हो गया, वो हमारे स्पेशल एडिशन बैट है, जबरदस्त, मल्हार का नाम ही उनसे ऊपर आया है, बहुत जबरदस्त। बात अभी ये नया कटिंग हमने चालू किया हुआ है, मैं पहले से चालू है, तो ये अभी ट्रेन में नहीं था, अभी आपको ये कुछ ऑर्डर है जितने भी चाहिए उतने मिल जाएंगे। तो होलसेल के लिए भी आप कॉल कर सकते हो, रिटेल के लिए भी। और प्लीज फोटो मत मांगिए, अगर आप लोग को सही में अगर बैट का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, हमारे शोरूम पे विजिट कर सकते हो वर्कशॉप पे, और जो आपको चाहिए आप बैट ले सकते हो। थैंक यू एवरीवन, और वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट।